हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार, मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो एप्लीकेशन ऑफ जो मैंने रिज़ल्ट प्रीवियस रिजल्ट्स बताया था उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके एक दो और एप्लीकेशन रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज मैं अभी आपको एक एग्ज़ाम्पल्स करता हूँ जो मैंने पहले पढ़ा रखा है। आपको भी पता होगा कि मैंने ये बताया था कि साइन 60 डिग्री, ठीक है, साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए का जो मैंने वैल्यू बताया था 1/sin 3a, इसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो हम लोग को पता है कि इसका जो डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, ये हमारा रिजल्ट था और इसी के ऊपर हम लोग प्रूफ क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस ये कहता है कि प्रूव डैट साइन टेन डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन 70 डिग्री है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या जिसको घट करने पर 750 भी आ जाए और 60 भी आ जाए। सिंपल है। तो यहाँ पर आप किसको इग्नोर करेंगे, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्ट नोन वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रूफ, हाँ, इज इक्वल्स टू, इसे प्रूफ करने कहता है 1/16, राइट। इसको कहा जाता है 1/16 प्रूफ करके हमें लाइए। तो आप क्या करेंगे, पहले रिजल्ट्स में मैं LHS लूँगा और यहाँ पर मैं साइन 10 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री मैं लूँगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, साइन 30 डिग्री को मैं बाहर करूँगा और साइन 10 डिग्री, और साइन 50 डिग्री को क्या लिखेंगे, 60 माइनस 10, तो 50 आ जाएगा, तो 60 माइनस 10 कर दिया एंड साइन 60 प्लस 10 कर दिया, ठीक है, आप ऐसा लिख लेंगे। तो अब तो कुछ करने नहीं है, आपको यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ कर देना क्योंकि सारे को मैंने इस टर्म में कर दिया, ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू 1/4 साइन 3 × 20, ये लिख सकते हैं, ठीक है, 3 × 20 लिख सकते हैं, सॉरी 3 × 10 लिख सकते हैं, राइट। लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/8 इंटू साइन 30 डिग्री और 1/8 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/16। सो LHS इज इक्वल्स टू LHS इज इक्वल्स टू RHS। सो दिस इज़ द वेरी इजी प्रॉब्लम। यहाँ पर साइन हमारा बहुत ही इजी प्रॉब्लम था और इसको हम लोग ने प्रूफ किया। अब मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, अभी तक मैंने 3 रिजल्ट्स आपको बताया और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं और उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप इसको स्किप कर दें और इसको ध्यान से ना सुनें तो लॉस आपको होगा, क्योंकि ये किसी बुक में नहीं है, आपको RD शर्मा RS अग्रवाल नहीं है, ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस जो है प्रॉपर्टीज़ है, रिजल्ट्स हैं, और इसका यूज़ हम काफ़ी ब्रॉड वे में करते हैं। कहाँ पर करते हैं, JEE के एंट्रेंस में या अदर आपको इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन देना हो, प्लस में आपको अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाना हो तो ट्रिग्नोमेट्री को आपको बेहतर करके रखना होगा ताकि लॉजिकली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब मैं आपको जो रिजल्ट्स बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखेंगे। और अभी मैं रिजल्ट संख्या नंबर 4 आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, रिजल्ट्स 4, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इसको आप अच्छे से देखना है। क्या कहता है, कॉस ए, यहाँ ध्यान दीजिए, प्रूव डैट कॉस ए इंटू कॉस 2a इंटू कॉस
4 to the power a ऐसे, ठीक है, इंटू कॉस 2 to the power qa प्लस डॉट डॉट, आपका आएगा कॉस टू दी पावर, कॉस 2 to the power n-1 a इज इक्वल्स टू 2 to the power, यहाँ से आपको कैसे करना है तो यहाँ पर साइन 2 to the power n a upon 2 to the power n sin a, ये आपको प्रूफ करने हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, क्योंकि आप देखेंगे तो आपसे याद भी हो जाएगा कि कॉस कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो यहाँ पर कॉस ए है, कॉस टू ए है, कॉस टू ए स्क्वायर है, कॉस टू क्यू ए है, और क्वेश्चन बनाने में बहुत मज़ा आता है जब आप समझ जाएंगे कि ए का पावर चल रहा है, तो आपको समझना और बनाना दोनों आसान हो जाएगा। और प्रूफ तो कुछ है ही नहीं, प्रूफ बहुत आसान है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया, मैं पहले LHS ले लिया, क्योंकि आपको LHS से कहाँ जाना है, RHS में जाना है। तो प्रॉब्लम आपको आना चाहिए कि LHS से RHS में जाने के लिए हमें करना क्या होगा, ठीक है। तो चलने के लिए हमें बनाना होगा, क्योंकि मैं पहले LHS में आप लेंगे cos a इंटू cos 2a इंटू cos 2 square a, और यहाँ पर लेंगे cos 2 qa प्लस डॉट डॉट cos 2 to the power n-1 a, राइट। ये अब अगर काम करना चाहते हैं तो आपको 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, क्योंकि आपको पता है हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो हमें तो ये देखना होगा कि अगर n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो यहाँ पर sin 2a होगा। तो आप इसको दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं, एक तो LHS से RHS में जा सकते हो, तो पूरा का पूरा LHS RHS से LHS मिल जाएगा, एक्सपेंड कर लेंगे आप, तो कोई फ़ायदा, दो दो तरह से कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि cos से sin में आ जाएं, तो cos से sin में आने के लिए आपको एक तरीका अपनाना पड़ेगा कि आपको 2 sin a करनी पड़ेगी, और यहाँ पर भी न्यूमरेटर मैंने 2 sin से किया मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी आपको sin a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको पेयर बना लें आप। देखिए मैंने पेयर बना लिया, और बाकी को आप जस के तस लिख लें, cos 2a cos 2 square a cos 2 का पावर qa डॉट डॉट इंटू में है इंटू डॉट डॉट cos 2 to the power n-1 a। ये अब अगर आप इसको देखें तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा sin 2a, ये मिलेगा अपॉन 2 sin a, यही मिलेगा sin 2 upon 2 sin a, और यहाँ पर फिर आप पेयर बना लें और बाकी को वैसे ही छोड़ दें, ठीक है। यहाँ पर देखिए बाकी को मैंने ऐसे छोड़ दिया, cos 2 square a इंटू cos 2 का पावर qa इंटू डॉट डॉट cos 2 to the power n-1 a, राइट। अब आप क्या करेंगे, सिंपली आपको 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसकी जगह पे 2 का पावर स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे 2 का पावर बढ़ेगा, बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पर 2 to the power n है, तो इसकी पावर बढ़ेगी और इसका पावर भी बढ़ते चला जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या दिखा, यहाँ पर आपको दिखा दिस इम्प्लाइज, आप उसको लिख सकते हो क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 2 square में लिख सकता हूँ, 2 sin square a अपॉन 2 square sin a इंटू cos 2 square a इंटू cos 2 का पावर qa डॉट डॉट cos 2 का पावर n-1 इंटू a, आपको ये मिला। फिर आप जब फिर से आप 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 2 sin 2 square a इंटू cos 2 square a का पेयर बना लें, और 2 का पावर q sin a कर दें, ठीक है, इंटू cos 2 qa इंटू डॉट डॉट cos 2 का पावर n-1 a, यह आएगा। तो आपका जो ये पावर है फिर से बढ़ेगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, आप इसको
यहाँ पर ध्यान दें, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, आपको यहाँ से मिलेगा साइन 2 का पावर क्यू ए बाय 2 क्यू साइन ए, ये मिला। और यहाँ से आपको कॉस 2 का पावर क्यूब ए इंटू कॉस। अब मैं यहाँ से एक स्टेप और लिखूँगा, कॉस 2 का पावर एन माइनस ए इंटू ए। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू हमें क्या मिलते जा रहा है। तो फिर आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 साइन 2 का पावर 4 ए 2 का पावर 4 ए इंटू बाय 2 टू द पावर 4 साइन ए और डॉट डॉट कॉस 2 टू द पावर एन माइनस 1 ए। जब आप इस स्टेट को यहीं से करते जाएंगे तो इसको आप इस तरह से करते जाएंगे तो अंत में आपको यहाँ से मिलेगा, क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा साइन 2 टू द पावर एन माइनस 1 इंटू कॉस 2 टू द पावर एन माइनस 1 ए और यहाँ पर ए राइट अपॉन 2 टू द पावर एन माइनस 1 2 टू द पावर एन माइनस 1 इंटू साइन ए। और जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 इंटू 2 टू द पावर एन माइनस 1 इंटू ए बाय 2 टू द पावर एन साइन ए। तो आपके यहाँ से मिलेगा साइन 2 टू द पावर एन ए अपॉन 2 टू द पावर एन साइन ए। तो आपको यहाँ से पूरे के पूरे कॉस के को हम लोगों ने साइन के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आपके पास होगा तो आप डायरेक्ट अभी इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट ही निकल जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पर आपको ध्यान बनाए रखना होगा, कंसंट्रेट करनी पड़ेगी, जिससे कि आप क्वेश्चंस को आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। मैंने कुछ नहीं किया, एक एक स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में किया, डिनोमिनेटर में किया और डिनोमिनेटर के पावर बढ़ते गए और साइन के भी पावर जो है वह 2 के मल्टीपल्स के रूप में एंगल्स मल्टीपल्स होते चला गया, जिससे कि हम लोग यहाँ पर साइन 2 टू द पावर एन ए अपॉन 2n माइनस 2n साइन ए के रूप में हम लोग पहुँच चुके। अब हमें ये फार्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है, तब हम लोग आसानी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से आप इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी मैंने एक क्वेश्चंस मैंने आपको दे रहा हूँ कि कहता है इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 15, ये है टू सो डैट पाई बाय 2 टू द पावर एन प्लस 1, ये दे रखा है, सो डैट कॉस 2 थीटा, यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर 2 थीटा कॉस स्क्वायर 2 थीटा इंटू कॉस टू द पावर कॉस 2 टू द पावर एन माइनस 1 कॉस 2 स्क्वायर थीटा
यहाँ पर हो जाएगा आपका ये इज इक्वल्स टू, मुझे ये प्रूफ करना है इसके वन अपॉन टू टू दी पावर एन के फॉर्म। अब आप देखिए इसको साइन को, थीटा की वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पर रख सकते हैं, एंगल में लिख सकते हैं और वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं LHS से यूज़ करूँगा सो डैट मैं यहाँ से LHS में क्या होगा लेट थीटा इज इक्वल्स टू पाई अपॉन टू टू पावर एन एंड यहाँ पर है कॉस थीटा इंटू कॉस टू थीटा इंटू कॉस टू स्क्वायर थीटा इंटू डॉट डॉट कॉस टू का पावर एन माइनस वन थीटा इज इक्वल्स टू, हमें LHS लेना था मैंने ले लिया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मैं थीटा की वैल्यू ऑलरेडी मान चुका हूँ और फार्मूला भी मुझे अच्छी तरह से याद है। तो आप लोग क्या करेंगे, साइन टू टू दी पावर एन थीटा बाय साइन टू टू दी पावर एन साइन थीटा कर देंगे। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको थीटा की जगह पे आप रख सकते हैं तो आपको आसानी होगी। यहाँ से आप लिखेंगे साइन पाई प्लस टू एन टू द पावर एन प्लस वन पाई टू टू द पावर एन प्लस वन इंटू थीटा टू टू द पावर एन टू टू द पावर एन अपॉन टू एन साइन पाई अपॉन टू टू द पावर एन प्लस वन, ये हो गया। ठीक है, अब आप इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप अगर चाहते हैं कि पाई की वैल्यू बाहर कर दूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, साइन टू टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन अपॉन टू टू द पावर एन प्लस वन राइट का पावर होल पाई, ये दे सकता हूं अपॉन, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टू टू द पावर एन। ठीक है, साइन साइन पाई बाय टू टू द पावर एन प्लस वन, ये हो गया। अब आपको सॉल्व करने हैं, सॉल्व करने हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई माइनस पाई बाय टू टू दी पावर एन प्लस वन, ये लिख सकता हूँ बाय साइन, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टू टू दी पावर टू टू दी पावर एन साइन पाई बाय टू टू दी पावर एन प्लस वन, ये हो गया। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन माइनस, यहाँ से लिख सकता हूँ साइन पाई बाय टू टू द पावर एन प्लस वन अपॉन, ये हो जाएगा टू टू द पावर एन साइन पाई बाय टू टू द पावर एन प्लस वन, दोनों बराबर हो गया तो वन अपॉन टू टू पावर एन आया, हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। इसी तरह से आप अपने दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और इसके जो वैल्यूज़ हैं आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह से सेम क्वेश्चंस में सेम क्वेश्चंस पैटर्न्स हैं जिसके थ्रू आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चंस आपको मैं और यहाँ से कराऊँगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जब मैं दे रखा हूँ प्रूफ डैट होमवर्क। यहाँ से अगर आपसे ना बना तो मैं कल वाली वीडियोस को जब अपलोड करूँगा तो यह क्वेश्चन को मैं ज़रूर बताऊँगा, आप लोग इसको करेंगे
कॉस 2 पाई बाय 15 कॉस 2 पाई बाय 15 इंटू कॉस 4 पाई कॉस 2 पाई बाय 15 इंटू कॉस 4 पाई बाय 15 इंटू कॉस 2 का पावर क्यू पाई बाय 15 डॉट डॉट कॉस 8 पाई बाय 15 कॉस 14 पाई बाय 15 इज इक्वल्स टू 1/16 ये आपको प्रूफ करने हैं, ठीक है। यही आपका कॉस 14 पाई बाय 15 यही आपका इक्वल्स टू 1/16 आपको यही प्रूफ करना है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अब आपसे सॉल्व हो जाएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी टू इम्प्रूव योर इटसेल्फ एज वेल एज टू इम्प्रूव माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू अलॉट माय डियर फ्रेंड्स, माय व्यूअर। थैंक यू अलॉट्स वेरी मच। थैंक यू।